तो एक बात बताऊं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए कि नाम अपने मर्जी से नहीं रखते थे। आजकल तो बेटा पेट में आया, 4-6 महीने का जैसे हुआ तैसे नामकरण शुरू हो जाता है। बेटा होगा तो ये रखेंगे, बेटी होगी तो ये रखेंगे। एक छोटा सा नाम आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकता है और बना सकता है। मैंने ज्यादा नहीं, कुछ लड़कियों पर चिंतन किया है, और आप दिल से स्वीकार करके चिंतन करना। गीता नाम की 4 लड़की इकट्ठा कर दो तो 3 का जीवन दुख से भरा मिलेगा आपको। अब ढूंढ लेना, इकट्ठा कर लेना। गीता नाम की 4 लड़की इकट्ठा हो तो उसका जीवन आप ढूंढना, मैं इसे नहीं बोल रहा हूं। दूसरा नाम सीता, सीता नाम की 4 लड़की लाओ, 3 का जीवन सुखी नहीं मिलेगा। तीसरा नाम शांति, अगर यहां शांति कोई बैठी हो तो देख लेना। मोहल्ले में अपने घर में चाहे सब कुछ हो, लेकिन मोहल्ले का दुख उससे देखा नहीं जाएगा, हाय हाय करती रहेगी, विचित्र अशांति उसके सिर पर बैठा रहेगा, वो शांति नहीं मिल सकती उसको। गीता, सीता, शांति, मीरा, मीरा नाम की लड़की सुखी नहीं पाओगी। नीलम, नीलम नाम की लड़की का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। राधा, और मेरा निवेदन है लड़कियों का 2 अक्षर का नाम होने नहीं चाहिए, ये शॉर्टकट लड़कियों के लिए नहीं बना है। 16,108 रानियां गोविंद की हैं, लेकिन किसी का 2 अक्षर का नाम नहीं है। सत्यभामा, मित्रवृंदा, जाम्बवती, रुक्मिणी, और 2 अक्षर का ये कई हैं, राधा। और सारी जिंदगी मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, ये सुखी हैं, लेकिन उन्हीं घर में रहने वाली सीता, हे भगवान। तो आपके घर में 2 अक्षर की सीता, गीता, मीरा, राधा मिल जावे तो कितना सुखी हो सकती हैं भगवान। इसीलिए समय समय पर नाम बदल लेना चाहिए। मेरे जीवन की घटना है, 38 साल की लड़की नीलम हो गई, शादी नहीं हो रही थी। मैंने कहा इस शादी हो ही नहीं सकती है, उपाय मैंने कहा नाम बदल दो इसका। कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा आएगा 200-400 रुपये। उन्होंने कहा अभी करवा दो। हम कहा अभी करवा लो। सामान मंगाया, हवन कराया, जो विधि होती है करके, नामकरण संस्कार, क्योंकि संस्कार तो संस्कार कभी भी चेंज किया जा सकता है। उसका नाम ऐश्वर्या रखा, 6 महीने के अंदर 3 किलोमीटर दूर पर ही शादी हो गई। अयोध्या की घटना है, और नाम बदला गया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। नरेंद्र शर्मा नाम था पहले विवेकानंद का, लेकिन परमहंस के जब सामने गए तो परमहंस को लगा कि ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में, इसका नाम बदलो, तो नरेंद्र शर्मा को हटा करके विवेकानंद किया गया। और बताऊं, तुलसीदास जी का नाम क्या था? राम बोला। लेकिन राम बोला से कोई काम जब नहीं होता देखा तो नरहरियाचार्य जी ने कहा इसका नाम बदलो, इसका नाम रखो तुलसी का बेटा तुलसी। तुलसीदास छा गई आकाश में। मोहनदास करमचंद गांधी को कौन जानता है? पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम है। ये महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है। तो समय पर अगर आपका नाम सूट नहीं कर रहा है, लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने नाम में चेंजिंग करने में कोई बुराई नहीं है, किया जा सकता है। और अपने मर्जी से नाम रखना भी नहीं, क्योंकि नाम ही तो एक ऐसा है कि जो बहुत हिसाब किताब से रखना चाहिए। जिंदगी का सवाल है नाम के साथ में।